नमस्कार, मैं हुशवाणी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जारी UDISE प्लस की रिपोर्ट में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में केवल 6,82,566 स्कूलों में कंप्यूटर थे, जबकि उनमें से 5,04,989 में इंटरनेट की सुविधा थी। रिपोर्ट ने स्कूलों के बीच डिजिटल दरार पर प्रकाश डाला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आतंकदारों की जांच शुरू कर दी है। इसके लिए पंजाबी हस्तियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। खबर है कि जांच एजेंसी ने पंजाब के कई गायकों को इस सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। यह सब इन्वेस्टिगेशन सिद्धू मूसेवाला के लिए हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के एक 106 वर्षीय मतदाता ने मृत्युशैया पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने के 2 घंटे बाद सलहना गाँव के बीरू राम की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना की वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। 2014 के संशोधन ने अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रतिमाह तय की थी। अपने बच्चे को गोद में लेकर स्पीच देने वाली केरल की IAS अधिकारी विवादों में आ गई हैं। कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि क्या एक महिला IAS अधिकारी के लिए अपने बच्चे को एक सार्वजनिक समारोह में लाना और उसे गोद में लिए हुए सभा को संबोधित करना उचित है। मामला केरल के पथानामथिट्टा जिले का है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि केंद्र सरकार ने दिवंगत बाल ठाकरे की इच्छाओं को पूरा किया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण समेत कई कामों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफ की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब संभावनाएं हैं कि इससे उनके विकल्प और कम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसी के साथ सहयोग करने में बार बार उनकी तरफ से हो रही ढिलाई भी आगे जाकर उनकी संभावित गिरफ्तारी की एक वजह हो सकती है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 3 स्थानों पर मतदान के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। घने जंगल के बीच हो या समुद्र के बीच टापू पर, चुनाव आयोग के लिए हर मतदाता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी FIR को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मतभेदों की शुरुआत 2019 से शुरू हुई थी। हम गद्दार नहीं हैं, जो हुआ वो महाराष्ट्र में सिद्धांतों की क्रांति हुई थी। उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन की जरूरत है। होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर के DG जेल हेमंत लोहिया की हत्या के बाद प्रशासन बेहद सतर्क हो गया है। राजौरी में अमित शाह की रैली से पहले सरकार ने जिले में इंटरनेट बंद कर दिया। इसके अलावा पड़ोसी जिले जम्मू के भी कुछ जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी आज शाम 7 बजे तक लगाई गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रीनगर स्थित अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया। यह जानकारी ED की ओर से दी गई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मौसम की अपेक्षाकृत बेहतर परिस्थितियों के कारण मामूली सुधार हुआ। जहां दिल्ली, UP सहित देश के कई राज्यों के लोग सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं कई राज्यों में गुलाबी ठंड लगने लगी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड लोगों को लगने लगी है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। CM केजरीवाल ने कहा है कि उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र को विशेष कदम उठाने की जरूरत है। दोषारोपण और राजनीति का यह उचित समय नहीं है। आम आदमी पार्टी के इसुदान गर्वी को CM चेहरा घोषित करते हुए दावा किया गया है कि उन्हें लोगों ने चुना है, साथ ही आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश चुनाव में BJP ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांगड़ा के जयसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली के दौरान अचानक कुछ लोग पीओके चाहिए के नारे लगाने लगे। इस पर रक्षा मंत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा, आप धैर्य रखिए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नांदेड़ के लोग भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी हमें समय मिलता है, हम अभ्यास और व्यायाम कर रहे हैं। चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, आपने अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया है। आपने गुजरात में मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार इसुदान गढ़वी को बनाया है। पार्टी ने दावा किया है कि 16,48,500 लोगों के सुझाव आए, जिसमें से कि 73% लोगों ने इसुदान को पहली पसंद बताया था।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत हुर्रियत नेता शब्बीर अहमद शाह के घर को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। पराली प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली की समस्या का इलाज कोई भी निकाले, किसान निकाले, सरकार निकाले या वैज्ञानिक निकाले, पर समस्या का निदान निकाला जाए। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम को कॉल पर मुंबई के हाजी अली दरगाह पर आतंकी हमला करने की धमकी मिली है। इस कॉल के बाद ताड़देव पुलिस मौके पर पहुंची और हाजी अली दरगाह को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर एक BDDS और कॉन्वेंट वैन को भी रवाना किया गया है। इस दौरान इलाके में LNT के प्रोजेक्ट साइट की जाँच की गई। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 1216 यानी 1216 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 18 संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में 1591 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 15,705 रह गई है। सुकेश चंद्रशेखर को लेकर विवादों में रहे तिहाड़ जेल के DG संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया है। ये आदेश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जारी किए हैं। संदीप गोयल की जगह अब स्पेशल CP संजय बैनीवाल को तिहाड़ जेल का DG बनाया गया है। वहीं वर्तमान DG संदीप गोयल को अगले ऑर्डर तक PHQ रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। भारत में सर्दियों का मौसम आते ही कई शहरों में एयर क्वालिटी खराब होने लगती है। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों की स्थिति इसी समय AQI की दृष्टि से खराब है। देश की राजधानी दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर साल वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिलती है। देशभर में सामान्य नागरिकता संहिता लागू करने की मांग के बीच गोवा का नागरिक संहिता मॉडल चर्चा में है। गोवा में इसे पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के नाम से जाना जाता है। यह नागरिक संहिता नागरिक कानूनों का एक समूह है जो राज्य के सभी निवासियों को उनके धर्म और जातीयता के बावजूद नियंत्रित करता है। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि दुष्कर्मियों को बीच सड़क पर सार्वजनिक तौर पर फांसी दे दी जानी चाहिए और तो और इनका दाह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। कौओं को गिद्धों के लिए उनके शवों को छोड़ दिया जाना चाहिए। खंडवा जिले में मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद यह बयान दिया। उत्तर पूर्वी भारत में अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया स्थायी क्षेत्रीय सेंटर खुल गया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में IIMC का नया सेंटर स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस परिसर का उद्घाटन किया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित किए गए नवीन कुमार जिंदल को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल के खिलाफ दायर सभी FIR को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया। दिल्ली NCR की हवा फिर से खराब हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता के तेजी से बिगड़ने की शुरुआत पिछले हफ्ते हुई। सड़क हादसे दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में लोगों की मृत्यु, विकलांगता और अस्पताल में भर्ती होने के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में सड़क हादसों में मारे गए 10 लोगों में से कम एक भारत से होता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नूनू कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद नौशाद, ओमकार सिंह, रविशंकर, प्रिंस कुमार, अतुल्ला, भान प्रकाश मौर्य और श्रीकांत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सड़क दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण आप किसे मानते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।